हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश क्लासेस से पीपी सर। जैसा कि आपको पता है, हमारा प्लेटफॉर्म काम कर रहा है ऑनलाइन का, एकेडी लैब है। आज हम लोग एक सेल्फी के तौर पे 40 एरर्स करेंगे, जो वो एरर्स हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पर हैं। आजकल एग्ज़ाम में एरर किस चीज़ का बनना है, कॉन्सेप्ट का बनना है या स्पेलिंग मिस्टेक का बनना है, किस तरह का बनना है एग्ज़ाम में एरर, उसके हम लेटेस्ट 40 क्वेश्चंस करेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पर डिपेंड हैं। आओ करके देखते हैं। 40 एरर्स हैं जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड सोल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड बार फॉर 6 मंथ्स। निर्णय लिया है भैया जी बिक्री करने का गोल्ड कॉइन्स का। क्या करने का? बिक्री करने का। चेक करके देखो फटाफट। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये किस तरह की एरर्स हैं। आपने देखा होगा जब एरर में पार्ट बना दिए जाते हैं, ए बी सी डी, इस तरह के पार्ट बना दिए जाते हैं, तो डी ऑप्शन हमेशा नो एरर वाला होता है। लेकिन ये लेटेस्ट पैटर्न है, इसमें पहले क्वेश्चंस दे रखा होगा, फिर उस क्वेश्चंस के 4 पार्ट दे रखे होंगे ए बी सी डी करके, तो अब नो एरर वाला ऑप्शन वो कोई से भी बना सकता है। वैसे आपको पता है नो एरर वाला ऑप्शन कौन सा होता था? डी। लेकिन अब नो एरर वाला ऑप्शन ए भी बन सकता है, बी बन सकता है, सी बन सकता है, कोई सा ही बन सकता है। तो ये लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर कुछ एरर्स हैं जिनको आप करके देखो। चल दो भाई, ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड सोल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स। जो गोल्ड कॉइन्स की क्या करनी है हमें? बिक्री करनी है। क्या करनी है? बिक्री। सेल आपको पता है वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म उसकी क्या होती है? सोल्ड। लेकिन हमें गोल्ड कॉइन्स की क्या करनी है? बिक्री। तो बिक्री की जो स्पेलिंग होती है आप चेक करके देखो, तो इसका मतलब बिक्री का मतलब क्या करना है भाई? सेल करना है। क्या करना है? सेल। तो इसका मतलब सोल्ड की जगह पर हमें क्या चाहिए? सेल चाहिए। या दूसरा तरीका, नाउन प्लस ऑफ प्लस क्या चाहिए? नाउन। तो ये तो अपने आप में नाउन हो गया भैया, ये चेक करके देखो गोल्ड कॉइन्स पूरा का पूरा। यहाँ पे कौन आ गया? ऑफ। तो यहाँ पे भी कौन चाहिए हमें? नाउन चाहिए। तो नाउन कौन होगा इसका? सेल। शोल्ड तो अपने आप में वर्ब हो गई, तो इसका नाउन क्या होगा? सेल। अब ये वाला पॉइंट कौन से वाले पॉइंट में आ रहा है? चेक करके देखो, यहाँ आ रहा है सोल्ड। तो सोल्ड की जगह पर हमें क्या करना है? सेल। तो आंसर कौन सा होगा भैया जी? ए फॉर एप्पल। कौन सा आंसर होगा इसका? ए फॉर एप्पल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इट इफ नहीं है ये, इट है, याद रखना। इट हैज बीन सेड दैट हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरल बायोग्राफी। इन्यूमरल, इन्यूमरल माने होता क्या है? असंख्य। इन्यूमरल माने होता क्या है भाई? असंख्य। असंख्य क्या मतलब? एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा का मतलब ये हो गया कि जो भी नाउन आएगा इसके साथ वो हमेशा कैसा होगा? प्लूरल। जब प्लूरल होगा तो ये तो अपने आप में कैसा हो गया भाई? सिंगुलर। तो इसका ये हो गया कि इसका प्लूरल आएगा बायोग्राफीज, बायोग्राफीज। तो इसका मतलब वाई की जगह पर क्या लगेगा भाई? आई एस। ये कौन से वाले पॉइंट में आ रहा है आप चेक करके देखो, इसमें आ रहा है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी की जगह वाई को हटाकर हम क्या लगाएंगे? आई ई एस। तो आंसर कौन सा होगा इसका? सी। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पहले वाले में सोल्ड वर्ब थी, उसका नाउन बनाना था, सेल करना था। तो ये लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर है वर्ब जो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, कि एग्जाम में आजकल किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ग्रामेटिकल पूछे जा रहे हैं या स्पेलिंग मिस्टेक वाले पूछे जा रहे हैं या कोई दूसरे तरीके की चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो ये लेटेस्ट पैटर्न पर डिपेंड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, आंसर इसका क्या है? सी। पहले वाले का आंसर क्या था? ए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर चेक करके देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द प्रोसेस वाज टू सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड दैट इट हार्डली टुक 5 मिनट्स फॉर अस टू ग्रास्प इट। द प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आसान है भैया जी समझने के लिए। इसमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें मुश्किल से कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट लगेंगे। टू ग्रास्प इट, इसको क्या करने के लिए? समझने के लिए या इसकी चीज़ों को पकड़ने के लिए। ग्रास्प माने होता है समझना या पकड़ना। चलो चेक करके देखो फटाफट से क्या दे रखा है। दैट, यहाँ पे क्या दे रखा है? टी डब्लो। अब टी डब्लो के साथ में भैया जी दैट का कॉम्बिनेशन तो होता नहीं है। टी डब्लो के साथ में जो कॉम्बिनेशन होता है दैट का, वो किसके साथ में होता है? सो के साथ। तो टी डब्लो के साथ में क्या आना चाहिए? सो। तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा किसका? सो दैट। किसका कॉम्बिनेशन बनेगा? सो दैट। ये रिमूव टू वाला केस जो आपको बताया था वीडियो में, वही केस है। तो टी डब्लू की जगह पर हम लोग क्या लगाते थे? सो। आप चेक करके देखो, यहाँ पर टी डब्लू की जगह पर हमें क्या लगाना है भैया जी? सो। सो का कॉम्बिनेशन किससे है यहाँ पर? दैट से। अब देखो फटाफट से टी डब्लू वाला ऑप्शन किस में आया है, आप चेक करके देखो, इसमें आया है यहाँ। तो यहाँ टी डब्लू की जगह पर हमें क्या लगाना था? सो। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। कौन सा आंसर हो गया? सी। तो आपको सो दैट वाली कंडीशन बनानी है, तो टी डब्ल्यू की जगह क्या आएगा? सो आएगा। आगे कनेक्टिंग क्या लगता है? दैट। चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड ऑन June 26। आप चेक करके देखो ऑन अपने आप में कौन है भाई, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अगर आपको नाउन लगाना है तो यहाँ से किसको हटाना पड़ेगा, टीएच को। ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। या दूसरा तरीका आप क्या बना सकते हो, ऑन 26th of June, ऑन 26th of June। अब ऑन आपको पता है डेट है, मंथ है, वीकेंड, सबसे पहले हमेशा प्रीपोजिशन कौन सा लगाते हैं, ऑन। तो ऑन किससे पहले आना चाहिए, डेट से। तो डेट को हम पहले लाएंगे, उसके बाद में किसको ले जाएंगे, नाउन को। तो इसको दूसरे तरीके से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऑन 26th of June। तो आंसर चेक करके देखो इसका फटाफट से कौन सा होगा, ऑन 26th of June ये आंसर होगा। तो ऑन 26th of June, ऑन 26th of June, तो आंसर कौन सा होगा इसका, डी फॉर दिल्ली। ये एरर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरर है जो आपका आगे आने वाला एग्जाम है, जैसे अगले महीने NDA का एग्जाम होगा, SSC मेंस का भी एग्जाम है, CPO का भी आने वाला है प्री। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद एरर होंगी, इसके बेस पे ही एग्जाम में एरर बनना है आजकल, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग द यूथफुल। अमंग अपने आप में कौन है भैया जी, चेक करके देखो, प्रेपोजिशन है। क्यों है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा हमेशा या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन आता है, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अब यूथफुल तो अपने आप में कौन है भैया जी, एडजेक्टिव है। यूथफुल कौन है, एडजेक्टिव है। तो इसका नाउन चाहिए, तो इसका नाउन क्या होगा, यूथ। इसका नाउन क्या होगा भाई, यूथ होगा। तो आप याद रखना अमंग अपने आप में प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। यूथफुल अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होगा, यूथ। तो यूथफुल के पे क्या आएगा, यूथ आएगा। आप चेक करके देखो यूथफुल कौन से ऑप्शन में आ रहा है, यूथफुल आ रहा है डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाले में आ रहा है तो इसका मतलब यूथफुल की जगह पर क्या आएगा भाई, यूथ आएगा। क्या आएगा, यूथ आएगा। आप चेक करके देखो फटाफट से आंसर कौन सा होगा, डी। चलते हैं भाई आगे। इफ मैन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ हिज टाइम अपॉर्चुनिटी एंड फॉलो हिज एम इन लाइफ विद पेशेंस एंड परसेवरेंस ही इज श्योर टू सक्सीड। चेक करके देखो, अगर व्यक्ति प्रॉपर चीज़ों को यूज़ करता है, समय का सदुपयोग करता है, अपने अवसर का फ़ायदा लेता है, चीज़ों को फॉलो करता है अपनी ज़िंदगी में, तो अब धैर्य से काम लेता है, लगातार मेहनत करता है, तो वास्तव में उसको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। अब चेक करके देखो फटाफट, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, एम ई एन मैन, कैसा है, सिंगुलर, तभी तो वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर। यहाँ कंजंक्शन क्या लग रहा है, एंड। यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉलो, जो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। कंजंक्शन एंड हमेशा दो बराबर की चीज़ों को जोड़ता है। जब यहाँ पर वर्ब में एस लग रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट भी कौन है पता है, मैन। इस वर्ब का सब्जेक्ट भी कौन है, मैन। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, तो मैन के हिसाब से यहाँ पे भी वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। तो फॉलो का क्या होगा, फॉलोज। फॉलो का क्या होगा, फॉलोज। आप चेक करके देखो फटाफट से, फॉलो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, चेक करके देखो फटाफट, ये आ रहा। तो फॉलो का क्या होगा भैया जी, फॉलोज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। तो आंसर कौन सा होगा इसका, सी। आंसर कौन सा होगा इसका, सी। चलते हैं, माई कजिन कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई हिज टीचर सेज दैट द अर्थ मूव राउंड द सन। आपको पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो आगे वाले रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन कनेक्टिंग वर्ड लगता है, ये कन्फर्म है। लेकिन आप चेक करके देखो, सेज लग रहा है, अर्थ अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा चाहिए हमें, सिंगुलर चाहिए। तो वर्ब सिंगुलर चाहिए तो हमें मुंह में क्या लगाना पड़ेगा भाई, एस। मुंह में क्या लगाना पड़ेगा, एस। तो इसका मतलब चेक करके देखो, मूव वाला ऑप्शन कहाँ है, बी वाला। तो मूव ना आके क्या आएगा, मूव्स। भैया आपने पढ़ी भी होगी, प्रोवर्ब होती है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आंसर कौन सा हुआ इसका, बी। वी रियली वॉन्टेड टू गो टू द पार्क बट वी वर टोल्ड नॉट टू गो आउट इफ इट रेन। इफ इट रेन, चेक करके देखो, इट कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब रेन में क्या लग जाएगा, एस। जब रेन में क्या लग जाएगा, एस। तो रेन की जगह क्या आएगा, रेन्स। कौन से ऑप्शन में, बी वाले में।
तो रेन की जगह पर रेन्स। आंसर कौन सा हुआ भाई? बी फॉर बॉम्बे। चलो, अ पर्सन हु स्टिक्स टू वन थिंग, एक व्यक्ति जो एक ही चीज से चिपका रहता है, इन स्पाइट ऑफ इनिशियल डिफिकल्टी, भले शुरुआत में परेशानी आए, इज श्योर टू सक्सीड इन द एंड, अंत में वो जाके क्या हो जाता है? सफल। चेक करो क्या लग रहा है। हु बताया था, पर्सन अपने आप में लिविंग होता है, लिविंग के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म में कौन आता है? हु आ रहा है, क्योंकि पर्सन सिंगुलर है, तभी तो वर्ब कैसी आ रही है? सिंगुलर। अब हु हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन है, जो अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। अपने से पहले जैसा नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ वैसी कौन आती है? वर्ब आती है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसको रिलेटिव प्रोनाउन कैसा करता है? डेफिनेट। और जहां को भी नाउन को डेफिनेट किया जाता है वहां पर आर्टिकल कौन सा आता है? द। कौन सा आर्टिकल आता है? द। अब इस हु ने इस पर्सन को कैसा कर दिया है? डेफिनेट। कैसा कर दिया है भाई? डेफिनेट कर दिया है। जब डेफिनेट कर दिया है तो एक ही जगह पर क्या आएगा? द आएगा। एक ही जगह पर क्या आएगा भाई? द आएगा। अब चेक करके देखो फटाफट से, द वाला कौन से में ऑप्शन में आ रहा है? पर्सन वाला केस ये आ रहा है। यहाँ पर्सन हु लग रहा है तो एक ही जगह पर क्या आएगा? द आएगा। क्या आएगा? द। आंसर कौन सा होगा? डी। चलो, नाइदर के साथ में क्या दे रखा है? और आना क्या चाहिए? नोर। आना क्या चाहिए? नोर। नाइदर के साथ नोर आता है, आइदर के साथ और आता है। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? पास वाले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पास है जा रहा है तो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? वाइफ के। ये सिंगुलर है तभी तो वर्ब कैसा आ रहा है? सिंगुलर। चेक करके देखो कौन सा आंसर हुआ? बी, और की जगह पर नोर। चलो आगे, मोबाइल फोन्स आर सो इम्पोर्टेंस दीज डेज दैट, सो दैट वाली कंडीशन बन रही है। आप चेक करके देखो, सो दैट वाली कंडीशन बन रही है तो टू टू वाली कंडीशन से रिप्लेस हुई होगी, तो वहां पर टी डब्लू के साथ में आता कौन है? या तो एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है। तो सो के साथ भी कौन आएगा फिर? या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। इम्पोर्टेंस तो अपने आप में होता कौन है? नाउन। कौन है भाई? नाउन है। अब चाहिए हमें कौन? एडजेक्टिव। तो इसका एडजेक्टिव कौन होगा? इम्पोर्टेंट। I M P O R T A N T कौन होगा? इम्पोर्टेंट होगा। तो इम्पोर्टेंस की जगह पर कौन आएगा? इम्पोर्टेंट आएगा। चेक करके देखो आंसर कौन सा होगा? ए। इम्पोर्टेंस की जगह पर कौन आएगा? इम्पोर्टेंट आएगा। आंसर कौन सा होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, चेक करके देखो, बार बार तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये एग्जाम के वो पैटर्न है जो आजकल एग्जाम में जिनके एरर बन रहे हैं। तो सारे की सारी चीजों को आपको अंत तक देखना है, हर क्वेश्चन को आपको समझना है लास्ट तक। एजुकेशन इज द ओनली अफेक्टिव टूल टू हेल्प, अफेक्टिव टूल टू हेल्प। चेक करके देखो फटाफट से क्या दे रखा है? अफेक्टिव। एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा ई डबल एफ ई सी टी, इफेक्ट। इफेक्ट कौन होता है भाई? नाउन। ए डबल एफ ई सी टी अफेक्ट कौन होती है? वर्ब। कौन होती है? वर्ब। अब चेक करके देखो फटाफट से, नाउन है ये, नाउन के साथ में क्वालिफाई कौन करेगा भाई? एडजेक्टिव करेगा। कंडीशन चेक करके देखो तो ये केवल प्रभावकारी है, असर डालना नहीं है, प्रभावकारी है। तो अफेक्टिव नहीं, क्या होना चाहिए? इफेक्टिव। तो अफेक्टिव की जगह पर क्या आना चाहिए? इफेक्टिव। ई डबल एफ ई सी टी आई वी ई, क्या आना चाहिए? इफेक्टिव। आंसर कौन सा होगा? बी फॉर बॉम्बे। अफेक्टिव की जगह पर क्या होगा? इफेक्टिव। चलो आगे दे रखा है, द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही शुड टेक अ हॉलीडे। चेक करके देखो, रिकमेंडेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कनेक्टिंग क्या लग रहा है? दैट। सेल का क्या रहा होगा? शुड। बिल्कुल सही बन रहा है, तो पूरा पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस में क्या है भाई? नो एरर। सी गेव मी डिटेल्स ऑफ ऑल द स्कूल्स सी हैड विजिटेड व्हाइल सी वाज ऑन एन ऑफिशियल टूर। चेक करो, नाउन प्लस ऑफ प्लस क्या भैया जी? नाउन। नाउन प्लस ऑफ प्लस क्या बन रहा है? नाउन। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाली कंडीशन जब बनती है तो पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल कौन सा आता है बताना? द आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जब आएगा नाउन
ऑफ नाउन आ रहा है तो पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल कौन सा आना चाहिए? थी वाला आना चाहिए। अब चेक करके देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है डिटेल्स, इसमें आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ आएगा THE द डिटेल्स ऑफ, तो आंसर कौन सा हुआ भाई, ए फॉर एप्पल। ये कॉन्सेप्ट जो आपको बताया जा रहे हैं इनको कॉपी में नोट करना है आपको तरीके से, क्योंकि इसके बेस की एरर 5, 6, 10, 5 आपको एरर्स एग्जाम में मिलेंगी और इसी पैटर्न पर मिलेंगी, इसी बेस पर मिलेंगी। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाली कंडीशन, ये फॉर्मूला होता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाली कंडीशन में पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द आता है। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट नॉर टू बिलीव बट टू वेट एंड कंसीडर। चेक करके देखो नॉर की कंडीशन पढ़ाई जाती है कि नॉर के साथ जो आता है वही किसके साथ में आना चाहिए भाई, अदर के साथ। किसके साथ आना चाहिए? अदर के साथ। आप करके देखो इसको फटाफट से। नोर के साथ में 2+1 की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इन्फिनिटिव बनना है तो आगे जाके भी भैया जी इन्फिनिटिव बनना चाहिए, लेकिन आगे जाके अगर आपको वर्ब लगानी है तो दोबारा से टी ओ लगाने की या प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2+ मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन्फिनिटिव बनना है तो आगे जाके केवल मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए जो कि आ रही है। कंसिडर मेन वर्ग की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखना जब आगे इन्फिनिटिव बनना है नोर के साथ तो उसके बाद में भी क्या बनना चाहिए, इन्फिनिटिव जो बन रहा है तो सेंटेंस में बिल्कुल क्या है, नो एरर। तो आंसर कौन सा होगा? सी। अब नो एरर वाला ऑप्शन सी बना दिया, वैसे नो एरर वाला ऑप्शन होता कौन सा है? डी। तो ये लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम का जिसके बेस पे आपको एग्जाम में एरर मिलेंगे मिलेंगे। द डिकैपिटेटेड बॉडी ऑफ अ यंग गर्ल वाज डिस्कवर्ड यस्टरडे। चेक करके देखो फटाफट से। डिकैप्टेड बॉडी अपने आप में सिंगुलर है तभी तो वर्ब कैसा आ रहा है, सिंगुलर वॉज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? थर्ड फॉर्म। क्या बन रहा है? पैसिव। क्या बन रहा है? पैसिव। तो सेंटेंस बिल्कुल कैसा है, सही है। व्हाट मेक पीपल, व्हाट अपने आप में है कैसा बोलो, सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी चाहिए भैया जी, वर्ब भी कैसी आनी चाहिए भाई, सिंगुलर वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। यहाँ पे क्या दे रखा है? मेक, तो सिंगुलर वर्ब इसकी क्या होगी? मेक्स। क्या होगी? मेक्स। आप चेक करके देखो मेक कौन से ऑप्शन में आ रहा है भैया जी, डी में आ रहा है। तो मेक का क्या होना चाहिए? मेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेक्स। आंसर कौन सा हुआ इसका? डी फॉर डेली। हु डू यू थिंक विल विन द गेम, क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो कोई ना कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी, सब्जेक्ट आ रहा होगा, वही चीज़ चेक करनी होती है हमें। इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, हेल्पिंग वर्ड आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। वैसे ये कॉन्सेप्ट होता है हु के साथ कभी डू नहीं आता, डज नहीं आता, डिड नहीं आता। ये डू किसका डू है? ये यू का डू है। इसकी जो वर्ब है वो तो कौन है? विल। इसकी जो वर्ब है वो कौन है? विल। तो सेंटेंस बिल्कुल कैसा है, सही है। तो सेंटेंस में क्या हुआ? नो एरर। क्या हुआ? नो एरर। हु की जो वर्ब है वो कौन है? विल। ये जो आ रहा है यू, यू के हिसाब से यहाँ पे क्या लगा है? डू। तो याद रखना आप हु की वर्ब कौन है? विल। आंसर कौन सा हुआ इसका? डी। इवन फूल्स वेन ही अपने आप में प्रोनाउन है, प्रोनाउन आया किसके रिपीटेशन के लिए होगा? नाउन के लिए। प्रोनाउन आया किसके लिए होगा? नाउन के लिए। प्रोनाउन अपने आप में कैसा है? सिंगुलर। कैसा है भाई? सिंगुलर। तो नाउन भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो फूल का क्या हो? फूल्स का क्या होगा? फूल। फूल्स का क्या होगा? फूल। तो आंसर कौन सा हुआ? ए। कि फूल्स का क्या होगा? फूल होगा। कौन सा आंसर हुआ भाई? ए हुआ। हेनरी इज अ कैपेबल बॉय ऑफ डूइंग एनीथिंग। हेनरी एक लड़का है जो सक्षम है कोई भी काम करने के लिए। तो हेनरी एक सक्षम लड़का नहीं है, हेनरी एक लड़का है किसी भी काम को करने के लिए। तो कैसे बनाएंगे? हेनरी इज अ बॉय कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ। भाई कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है भाई? ऑफ आता है। ऑफ के हिसाब से तो यहां पे जीरंड बनना है। तो इसको बनाएंगे कैसे? हेनरी इज अ बॉय कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आंसर कौन सा हुआ इसका? टी।
द अदर डे, द अदर के साथ नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। माई सिस्टर टोल्ड मी दैट सी विल बी मूविंग। आप चेक करके देखो, टोल्ड अपने आप में वर्ब की कौन सी फॉर्म है भैया जी, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म है तो ये किसको दिखा रहा होगा, पास्ट को। जब ये पास्ट को दिखाएगा तो विल का पास्ट कौन होता है भाई, वुड। विल का पास्ट कौन होगा भाई, वुड होगा। विल का पास्ट कौन होगा, वुड। तो आंसर आप चेक करके देखो फटाफट से कौन सा हुआ, बी फॉर बॉम्बे। बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एग्जाम में जो एरर बन रहा है उनके लेटेस्ट पैटर्न पर मैंने 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो आपको ये सारे के सारे 40 क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट सीखने ही सीखने। भले आपको वीडियो दो बार देखनी पड़े, वो आप करना, हर क्वेश्चन को आप लास्ट तक समझो तरीके से। टोनी इज गिविंग मी अ लिफ्ट, ही इज कमिंग टू कॉल फॉर मी। वह आ रहा है मेरे से मिलने के लिए, वह आ रहा है मेरे से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। चेक करके देखो, मिलना बातचीत करना क्या आएगा भैया जी, कॉलोन। मिलना बातचीत करना क्या आएगा, कॉलोन। तो कॉल फॉर की पे क्या आएगा, कॉलोन। कॉल फॉर तो किसी भी अधिकार व्यक्त करने के लिए, अधिकार पर कोई भी चीज बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है, कॉल फॉर। तो मिलना है उससे, बातचीत करनी है, तो क्या आएगा, कॉल ऑन। तो चेक करके देखो आंसर कौन सा हुआ, सी। 23 वाला क्वेश्चन कह रहा है भैया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन हैव। ईच ऑफ के साथ आने वाला हर कोई नाम कैसा होगा, प्लूरल। लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, वर्ब सिंगुलर होगी तो हैव का क्या होगा, बोलो, हैज। हैव का क्या होगा, हैज। आंसर कौन सा होगा, सी फॉर चेन्नई। आगे दे रखा है, राज सरप्राइज एवरीवन व्हेन ही क्रिएटेड एन अनब्रीकेबल रिकॉर्ड ऑफ 1.5 सेंचुरी। वन सिंगुलर, कंजक्शन लग रहा है, अ हाफ, हाफ का मतलब 1/2। जो भी नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल। अब क्यों होगा प्लूरल, इस दुनिया में केवल एक ही चीज़ सिंगुलर होती है, इस दुनिया में केवल एक ही चीज सिंगुलर होती है, एक से कम हो या एक से ज्यादा हो हमेशा कैसा होगा भाई, प्लूरल होगा। अब ये एक से कम है तब भी प्लूरल होगा, एक से ज्यादा होता तब भी कैसा होता, प्लूरल होता। कोई दिक्कत है, क्लियर, चलो आगे। तो आंसर कौन सा हुआ, सी। डू नॉट राइट हिम ऑफ एज आई फील ही स्टिल हैज द 5 smoldering इन हिम। कौन सा ऑफ आना चाहिए, OFF। कौन सा ऑफ आना चाहिए भाई, OFF। उससे आप क्या मत करो, शिकायत मत करो। तो कौन सा, सेपरेशन के लिए, OFF। द पुअर मैन सेव्स द मनी बट देन ही बिगेन। बिगेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बोलो, सेकंड फॉर्म। क्या बन रहा है भाई, पास्ट बनना है, क्या बन रहा है, पास्ट। जब पास्ट बनना है तो पूरा सेंटेंस पास्ट बनना चाहिए। आप चेक करके देखो फटाफट से, यहाँ पर क्या लग रहा है, सेव्स। सेव्स प्रेजेंट को दिखाता है, लेकिन हमें बनाना क्या है, पास्ट। जब पास्ट बनाना है तो सेव का क्या होगा, सेव्ड, SAVED। तो क्या होना चाहिए, SAVED, क्या बनेगा, पास्ट बनेगा। तो सेव्स का क्या होगा, सेव्ड होगा। आंसर कौन सा हुआ भाई, ए। ही एडवाइज्ड मी, क्या लग रहा है, देखो, सी। ADVICE नाउन होता है, ADVICE नाउन है, और ADVISE वर्ब होती है। अब सब्जेक्ट के बाद में भैया जी नाउन चाहिए कि वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए, क्लियर है। ही अपने आप में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या होगी इसकी, ADVISED। तो सी का क्या करना है, एस। तो सी वाला नाउन होता है और एस वाला वर्ब होता है। हमें सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, इसलिए मैंने सी का एस किया है। तो आंसर कौन सा होगा, ए। सम ऑफ अवर लेटेस्ट कैनन, चेक करके देखो, सम ऑफ, कुछ। कुछ का मतलब एक नहीं है, कम हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, कोई भी चीज एक से कम है या ज्यादा है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। तो कैनन कैसा है यहाँ पर, सिंगुलर, इसका होना क्या चाहिए, प्लूरल। तो CANONS, कैनन्स भाई, या डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है कि सम ऑफ के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है, सम ऑफ के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो कैसा होगा, प्लूरल। चेक करके देखो, तभी तो मैंने कैनन में क्या लगाया है, एस। क्या लगाया भाई, एस। आंसर ए। सुशांत सेड दैट सी, चेक करके देखो, सेड वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म।
सेकंड फॉर्म क्या बन रहा है? पास्ट। जब पास्ट बनेगा तो आगे भी पास्ट बनेगा, क्यों? पास्ट किसको जोड़ता है? पास्ट को। तो सेल का पास्ट क्या होगा? शुड। सेल का क्या होगा? शुड। आंसर ए फॉर एप्पल। आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। ही कुड नॉट हेल्प, हेल्प के साथ मेन वर्ब की फॉर्म में आई एन जी। क्या बनना चाहिए? जीरण। क्या बनना चाहिए भाई? जीरण। हेल्प के साथ क्या बनेगा? जीरण बनेगा, या इन्फिनिटिव की कंडीशन से जोड़ सकते हो आप, या जीरण से। तो लेकिन मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, क्लियर है? या तो टू लगा दो यहाँ पर, या जीरण बना दो, क्या कर दो? सेडिंग। आंसर कौन सा होगा? बी फॉर बॉम्बे। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, बिल्कुल सही है। एट द मीटिंग फेल्ट दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस वर नॉट कॉम्पिटेंट। जो ग्रुप बनाया गया है वो सक्षम नहीं है इस वाले काम को करने के लिए। तो ग्रुप अपने आप में कैसा होता है बताना? ग्रुप कैसा होता है भाई? सिंगुलर होता है। कैसा होता है भाई? सिंगुलर होता है। जब ग्रुप सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो वर्ब का क्या होना चाहिए? वॉज। वर्ब का क्या होना चाहिए? वॉज। आंसर कौन सा हुआ चेक करो? सी। आंसर कौन सा हुआ? सी। नाइदर के साथ में नोर आता है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? पास वाले सब्जेक्ट के। कलर अपने आप में कैसा है चेक करके देखो? सिंगुलर। वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। वर्ब का क्या? वॉज। वर्ब का क्या आएगा? वॉज। आंसर कौन सा हुआ चेक करो? सी। चलो, इट वॉज ओनली वेन दे मेट दैट दे फाउंड ही हैज अ चाइल्डिश। या केवल जब था जब वो मेरे से मिले उन्होंने पाया भैया जी सिंपलिसिटी। चाइल्डिश मूर्खता होती है। चाइल्डिश कौन होती है? मूर्खता। लेकिन उन्होंने मुझे पाया कि मैं एक तरह से व्यवहार किया था बच्चों की तरह। किसकी तरह व्यवहार किया था? बच्चों की तरह। तो बच्चों की तरह का मतलब चाइल्डिश नहीं, चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक। तो चाइल्डिश की जगह पर क्या आएगा? चाइल्ड लाइक। क्या आएगा? चाइल्ड। चाइल्डिश तो मूर्खता होती है, अभद्रता से व्यवहार होता है, और चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों की तरह। तो आंसर कौन सा हुआ इसका? बी फॉर बॉम्बे। आई नाउ रिलाय दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज टू डांस। स्पीकिंग की कंपेरिजन किससे कर रहा है वो? डांस से। याद रखना हमेशा कंपेरिजन बराबर की चीजों में होती है, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से, वर्ब की वर्ब से, इन्फिनिटिव की इन्फिनिटिव से, जीरंड की जीरंड से। तो यहाँ पर स्पीकिंग दे रखा है, जीरंड बन रहा है। मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है? आई एन जी। तो यहाँ पर भी क्या लगना चाहिए? आई एन जी। तो टू डांस का क्या होगा? डांसिंग। क्योंकि हमेशा बराबर की चीज़ों की क्या होगी? कंपेरिजन होगी। तो यहाँ आई एन जी की कंपेरिजन, स्पीकिंग की कंपेरिजन किससे करनी है? डांसिंग से। तो यहाँ डांस दे रखा है तो डांस का होगा क्या? डांसिंग। कौन सा आंसर हुआ? सी। क्लियर। चलो, द चिल्ड्रन विच आर असेंबल्ड। चिल्ड्रन लिविंग होता है कि नॉन लिविंग? कैसा है लिविंग? क्या आ रही है? वर्ब। और लिविंग के लिए विच आता है कि हु आएगा, हु या हुम आएगा। अब यहाँ पे आ कौन रही है? वर्ब। कौन आ रही है? वर्ब आ रही है। जब वर्ब आ रही है तो वहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन होता है? हु और हुम में से हु होता है। तो विच की जगह पर हु आएगा। हु से पहले चिल्ड्रन कैसा है? प्लूरल। तभी तो वर्ब कैसी आ रही है? प्लूरल। तो आंसर कौन सा हुआ? ए। इट इज टू सर्टिफाई दैट ही हैज वॉन द एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाई द डिपार्टमेंट। चेक करके देखो फटाफट से। ऑर्गेनाइज बाई द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। बिल्कुल कैसा है? सही है। तो सेंटेंस में क्या है? नो एरर। चलो, अब लास्ट आपके लिए चार क्वेश्चन बचे हैं। ये चार के चार क्वेश्चन आपको तरीके से समझने हैं। अब तक जो भी चीज़ें समझी हैं वही कंटिन्यू आपको इन चारों क्वेश्चनों में, अपना धैर्य पेशेंस जो जज्बा आपने दिखाया है अब तक क्वेश्चनों में समझने के लिए, वही इन चार में लगा दो आप अपना। देखो चेक करके। नाइदर ऑफ द सिस्टर, नाइदर ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है हमेशा कैसा होता है? प्लूरल। कैसा होता है भाई? प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर। जब वर्ब सिंगुलर आती है तो आर का क्या होगा? इज होगा। आर का क्या होगा? इज। सीखने का तरीका क्या है? ऑफ के बाद जो कुछ भी आता है प्रीपोजिशन के बाद वो सब्जेक्ट हो गया।
तो इस ऑब्जेक्ट हो गया, कौन हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, नाइदर, कौन हुआ भाई, नाइदर। तो सब्जेक्ट कैसा है, नाइदर सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर, तो आर का क्या, इज क्लियर। गिव योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकल, आप अपने शब्दों का जवाब दें, जितना जितनी शब्द हो सकते हैं आपके पास संभवतः उतने, संभवतः प्रैक्टिकल माने तो व्यवहारिक होता है, संभवतः की स्पेलिंग पूछी है, संभवतः की स्पेलिंग होती है प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल क्या होती है, प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकल माने तो व्यवहारिक होता है, और क्या होता है, व्यवहारिक, प्रैक्टिकेबल फिजिबल, लेकिन हमें बताना संभवतः, संभवतः की स्पेलिंग क्या होती है, प्रैक्टिकेबल, और प्रैक्टिकल माने व्यवहारिक और प्रैक्टिकेबल माने संभवतः, तो प्रैक्टिकल की जगह पर क्या करना है, प्रैक्टिकेबल, आंसर कौन सा होगा, सी। कितने क्वेश्चन बचे हैं, दो, इनको तरीके से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, बेहतरीन। टायर्ड आई वॉज, आई हैड टू कीप ऑन वर्किंग टिल द वी आवर, वो लिख गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑफ द मॉर्निंग, चेक करके देखो, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ऑल दो प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ एडजेक्टिव, ऑल दो या दो के साथ कॉमा या यट आता है, ऐसे सिखाया जाता है, बिल्कुल सही है, ऑल दो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, इस चीज को मैं दूसरी तरीके से, एडजेक्टिव एज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, चलो क्या कह रहा है, अब या तो इस वाली कंडीशन से लगाओ या इस वाली कंडीशन से लगाओ, टायर्ड अपने आप में कौन हो गया, एडजेक्टिव, उसके बाद आना क्या चाहिए, एज, तो या ऐसे कर सकते हो, टायर्ड एज, उसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आई आ रहा है, उसके साथ क्या आनी चाहिए, वर्ब हो जा रही है, ऐसे कर लो, या दूसरा तरीका क्या बताया है, ऑल्दो को लगा लो, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज हो जाएगा, उसके बाद एडजेक्टिव लगा दो क्या, टायर्ड, ऐसे कर दो, तो दोनों का मतलब एक ही है, कैसे भी कर लेना, आंसर कौन सा होगा, ए फॉर एप्पल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आजकल पेपर में, इस वाले कॉन्सेप्ट को तोड़ के अब वो ये वाली चीज पूछता है, तो आपको याद रखना है, इसको मैं दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकता हूं, दोनों का आंसर एक ही पार्ट में मिलेगा, तो इसका आंसर कौन सा हुआ, ए। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट वाला भी, जिसको बहुत अच्छे से हमको करना है, क्या कह रहा है, द सजेशन गिवन बाई हिम, जो दिया गया है, इज एज बैड इफ नॉट रस्ट देन, देन कौन सी डिग्री में आता है भाई, कंपरेटिव में, कौन सी डिग्री में आता है, कंपरेटिव में, तो रस्ट का कंपरेटिव क्या होगा, वर्स, क्या होगा, वर्स, एज एज के साथ कौन सा डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ एज लग रहा है, यहाँ बैड लग रहा है, तो इसके साथ भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, एज, कौन सा आंसर हुआ, बी फॉर बॉम्बे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, 40 के 40 क्वेश्चनों में आपने देखा होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं हुआ होगा, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ अलग है, वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है बहुत अच्छे से, तो इन 40 क्वेश्चन की जो वीडियो है इसको आपको बार बार देखना है, जिससे आपको नए से नए जो कॉन्सेप्ट हैं, जिससे लेटेस्ट पैटर्न पर जो एग्जाम में एरर बनना है, वो एरर्स आपका एग्जाम में सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है, हर चीज़ का एक एक क्वेश्चन ही आता है, जब आप एक एक क्वेश्चन ही सब चीज़ों का छोड़ के आओगे तो एग्जाम में करके क्या आओगे, तो आपको हर चीज़ भले इन 40 क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट का केवल एग्जाम में एक क्वेश्चन आए, लेकिन आपको एक क्वेश्चन ही सही करके आना है, ये आपका ध्यान रखना चाहिए, तो मेरा मतलब यह कहने का कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट आपको 40 क्वेश्चन में सिखाएं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, इनको दोबारा से घर जाके वीडियो पर देखना है, समझना है, बार बार देखना है कॉन्सेप्ट, कोई भी दिक्कत होती है तो मैं खड़ा हूँ आपके सामने, तो आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलते हैं, आपको पता है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताना है, शेयर्स करें, सब्सक्राइब करवाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।